देखो ऑटो एक्सपो में कल का दिन मारुति सुजुकी के नाम रहा है, क्योंकि कल मारुति सुजुकी ने दो न्यू एसवी कारों को रिवील कर दिया है ऑफिशियली। पहली है जिम्नी जो कि एक ऑफरोडर एसवी कार होने वाली है और दूसरी है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स बलेनो का एसवी वर्जन होने वाला है, इसको कल रिवील किया गया है और इस कार को अप्रैल 2023 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि जिम्नी और फ्रॉन्क्स इन दोनों ही कारों के बुकिंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन दोनों ही कारों को नेक्सा के ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं या फिर सिंपली नेक्सा के नियर बाय शोरूम में जाकर आप इन दोनों में से एक कार को बुक कर सकते हैं। दोनों ही कारों को बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करूंगा, यानी इस कार के बेस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, इसका एक्सटीरियर लुक कैसा रहेगा, सेफ्टी के तौर पर बेस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, इंजन कौन सा रहेगा, इसकी कीमत कितनी रहेगी, सभी चीजों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। यहाँ पर हम वेरिएंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉन्क्स इस एसयूवी कार के अंदर आपको 5 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसका बेस मॉडल रहेगा सिग्मा, सिग्मा के ऊपर आएगा डेल्टा, डेल्टा के ऊपर डेल्टा प्लस आएगा, उसके ऊपर जेटा और अल्फा मॉडल रहने वाला है। यहाँ पर सिग्मा रहेगा बेस वेरियंट और अल्फा रहेगा टॉप वेरियंट। तो इस वीडियो के अंदर हम सिग्मा मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। सिग्मा मॉडल के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा जो कि रहेगा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट ड्यूल VTT पेट्रोल इंजन, और इस इंजन की मदद से ये कार लगभग 90 PS की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और बेस मॉडल के अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, डेल्टा मॉडल के ऊपर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाला है। लेकिन मारुति सुजुकी ने ऊपर वाले वेरियंट के अंदर और एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है 1.0 लीटर टर्बोचार्ज बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, और इस इंजन की मदद से आपको 100 PS की पावर आउटपुट और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और ये इंजन मारुति सुजुकी ने डेल्टा प्लस मॉडल के ऊपर ऑफर किया है, आपको सिग्मा और डेल्टा मॉडल के अंदर ये इंजन स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको उस इंजन के साथ जाना है तो आपको लेना पड़ेगा डेल्टा प्लस वेरिएंट या फिर आपको जेटा वेरिएंट या फिर आपको अल्फा मॉडल परचेस करना पड़ेगा। और बेस मॉडल के अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, और जो सेकंड बेस वेरिएंट है डेल्टा उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी जिन लोगों को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है लेकिन बजट कम है वो लोग डेल्टा मॉडल के साथ जा सकते हैं। ये तो हुआ इसका इंजन स्पेसिफिकेशन, लेकिन अगर मैं इस कार के डायमेंशंस की बात करूं तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस कार का कंपटीशन क्रेटा सेल्टोस टाइगन कुशक एस्टर के साथ रहेगा, और इस कार के डायमेंशंस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इस कार की लेंथ 4 मीटर के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी और 4 मीटर के ऊपर सभी मिड साइज एसयूवी कार इंडियन मार्केट में बिक रही है। इस कार की लेंथ 3995 मिलीमीटर रखी गई है जो कि नेक्सॉन के मुकाबले 2 mm ज्यादा है, और नेक्सॉन की लेंथ है 3993 मिलीमीटर की। इसके अलावा फ्रॉन्क्स की विड्थ है 1765 मिलीमीटर की, वही नेक्सॉन की विड्थ 1811 मिलीमीटर की है। नेक्सॉन की विड्थ आपको 46 mm ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, लेकिन फ्रॉन्क्स की हाइट है 1550 मिलीमीटर की जो कि 56 mm कम है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, क्योंकि नेक्सॉन की हाइट 1606 मिलीमीटर की रखी गई है। तो यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स की लेंथ विड्थ और हाइट लगभग नेक्सॉन के आसपास देखने को मिल जाएगी। वही इस कार के अंदर 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस ऑफर किया है, नेक्सॉन के अंदर 2498 मिलीमीटर का आपको व्हील बेस मिल जाएगा। यानी नेक्सॉन के अंदर आपको 22 mm व्हील बेस कम मिलेगा और इस कार के अंदर 22 mm व्हील बेस ज्यादा ऑफर किया है। वही अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और नेक्सॉन के अंदर लगभग 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर डायमेंशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस कार की पोजीशन ब्रेजा के नीचे रहेगी और इस कार की कीमत आपको ब्रेजा से भी कम देखने को मिल जाएगी। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो बेस मॉडल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट ये फीचर भी ऑफर किया है, ड्यूल एयरबैग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, और जेटा वेरिएंट के ऊपर 6 एयरबैग्स ऑफर करे हैं मारुति सुजुकी ने, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलेंगे। इसके अलावा बेस मॉडल के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिलेगा जो कि अच्छी खासी बात है, 3-point सीट बेल्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, रियर डिफॉगर, आईएसओ फिक्स चाइल्ड माउंट,
फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको बेस मॉडल के अंदर यानी सिग्मा मॉडल के अंदर मिलेंगे फ्रॉन्क्स के, और अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जाओगे तो वहां पर सेफ्टी फीचर्स और भी बढ़ जाते हैं। अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूँ तो बेस मॉडल के अंदर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे, और ये फीचर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इस कार की कीमत 6 या फिर 7 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, क्योंकि इसके बेस मॉडल के अंदर आपको ड्यूल टोन कलर का थीम का ऑप्शन मिलेगा, यानी डैशबोर्ड के ऊपर सीट्स के ऊपर आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्रेशनेस फील होगा। इस कार के अंदर आपको कीलेस एंट्री का फीचर मिलने वाला है। इसके अलावा रियर सीट 60-40 में फोल्ड हो जाएंगे, पावर विंडो का ऑप्शन आपको मिलेगा, एडजस्टेबल सीट्स और एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन भी ऑफर किया है मारुति सुजुकी ने बेस मॉडल के अंदर। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी ऑफर किया है, हालांकि बलेनो के बेस मॉडल के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको फैब्रिक के सीट्स मिलेंगे और बाकी के इंटीरियर के फीचर्स यहाँ पर बेस वेरिएंट यानी सिग्मा मॉडल के अंदर ऑफर किए जाएंगे। बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी टच स्क्रीन या फिर मीडिया डिवाइस नहीं मिलेगा, आप उसको आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो ये चीजें मिसिंग है बेस मॉडल से, तो डेफिनेटली भाई इस कार की कीमत काफी कम रहने वाली है। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो इस कार का लुक काफी बेहतरीन रखा गया है। इसका फ्रंट का फीचर आपको ग्रैंड विटारा जैसा ही देखने को मिल जाएगा, हालांकि लाइटिंग थोड़ा सा चेंज किया है, और रियर का फीचर आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। इसके बेस मॉडल के फ्रंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, डेल्टा प्लस मॉडल के ऊपर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बेस मॉडल के अंदर डीआरएल का सेटअप नहीं मिलेगा, डेल्टा प्लस मॉडल के ऊपर एलईडी डीआरएल का सेटअप ऑफर किया जाएगा। बेस वेरिएंट और सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आपको डीआरएल का सेटअप नहीं मिलेगा, वहां पर आपको डिजाइन पैटर्न मिलेगा लेकिन डीआरएल आपको नहीं मिलने वाला। हैलोजन इंडिकेटर का ऑप्शन दिया जाएगा। फ्रंट और रियर बंपर्स के ऊपर आपको सिल्वर स्किड प्लेट का ऑप्शन मिलेगा, यानी ड्यूल टोन कलर के साथ इसके बंपर्स आ जाएंगे, जिसके तहत इसका लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा आपको रियर में एलईडी टेललाइट का सेटअप मिलेगा, शार्क फिन एंटेना का ऑप्शन भी दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बेस मॉडल के अंदर आपको स्टील व्हील विद व्हील कवर का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बेस मॉडल के अंदर व्हील कवर का ऑप्शन देने वाली है, जो कि अच्छी खासी बात है। रियर में आपको शार्क फिन एंटेना का ऑप्शन मिलेगा, स्पॉइलर भी दिया जाएगा, और अच्छे खासे एलिमेंट्स आपको इस कार के बेस मॉडल के एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो जेटा और अल्फा वेरिएंट रहेगा उसके एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और उस मॉडल के इंटीरियर में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उनका वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आपको मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो अप्रैल 2023 तक मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को इंडिया में लॉन्च करेगी, उसके बाद इस कार के प्राइसेस रिवील हो जाएंगे, और इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 7 लाख या फिर 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। यानी जो मॉडल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है उस मॉडल की कीमत 7 लाख या फिर 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है इस कार की बेस मॉडल की कीमत कितने से स्टार्ट होनी चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ये भी बता देना कि आपको ये कार कैसे लगी, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, इस कार का लुक अलग होना चाहिए था, इंटीरियर अलग होना चाहिए था, इसके बारे में आपके क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो लोग मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा लेना चाहते हैं लेकिन उनका बजट कम है, 10 लाख के अंदर उनका बजट है, तो डेफिनेटली वो लोग इस कार के बारे में सोच सकते हैं, इस कार के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कार की कीमत काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, और ये बलेनो का SUV वर्जन होने वाला है।